नमस्कार दोस्तों, एक मेरे पास फ़ोन आया था तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है इसे बताना कि अगर कुछ लोग इससे बच सकें साइबर क्राइम से तो बहुत अच्छा है। एक लोग मुझे फ़ोन किए कि सर मेरे लड़के का किडनैप कर लिया गया है, कुछ लोग के कब्जे में है, बहुत मारपीट रहे हैं, लड़का बहुत रो रहा था और उन्होंने कहा कि आप 1 लाख रुपए डाल दीजिए अकाउंट में, नहीं तो हम तुम्हारे लड़के को फंसा भी देंगे, पुलिस में भी दे देंगे, अभी हमारे पास ही है और हम इसके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो सामने वाला पूछता है कि ऐसा क्या कर दिया मेरे लड़के ने, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उनको बताया गया कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ इसने रेप कर दिया है और गर्लफ्रेंड इसकी हॉस्पिटलाइज है, एडमिट है। हम उसके परिवार वाले उसके शुभचिंतक हैं और सिर्फ अभी आपको इसलिए फ़ोन किए हैं कि आप पैसा दे दोगे तो ये मामला पुलिस तक नहीं जाएगा, अदरवाइज ये पुलिस में जाएगा और आपको, आपके लड़के को जेल होगी। तो इस तरीके से डराया धमकाया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लड़के से मेरी बात करा दो। तो उन्होंने भी इस अंदाज में कि आवाज़ पहचान नहीं जाए, लोग पकड़ नहीं लें, तो दूर रो रहा है, रोते हुए उससे बात कराई कि पापा प्लीज़ दे दो पैसा, नहीं मार डालेंगे, वाह चिल्लाने लगा इस तरीके से कि जैसे उसे मार रहे हों लोग, आवाज़ें भी आ रही हैं। तो सामने वाला घबरा गया, समझ ही नहीं पाया कि उसी के लड़के की है या दूसरे की है, वो अपने लड़के की आवाज़ मान बैठा। तो बोला क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि 1 लाख देना होगा। तो उन्होंने कहा 50,000 है मेरे पास, उसने अकाउंट नंबर दे दिया। तो कृपया करके मेरा निवेदन है कि किसी भी ट्रांजेक्शन करने से पहले आज के टाइम में सिक्योर करना, जानना जरूरी है कि ये ऐसी घटना हुई है कि नहीं हुई है। पहले एक बार आप पैसे का इंतजाम कर रहे हैं या उसके अकाउंट में डाल रहे हैं, उससे पहले एक बार आप अपने लड़के से तो फ़ोन लगा के बात कर लो। तो वो क्या थे, थोड़े समझदार थे, वो बच गए इस ठगी से। उन्होंने तुरंत अपने लड़के के नंबर पर कॉल किया तो बताया कि हम तो पापा अपने मीटिंग में हैं, अपने ऑफिस की मीटिंग में हूँ। तो वो समझ गए कि साइबर ठगी का अटेम्प्ट था, बच गए, वो सुरक्षित रहा उनका पैसा। तो कृपया करके इस तरीके की अगर कोई आती है कॉल, नित नए तरीके रोज अपना रहे हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन कितना भी कॉन्फिडेंस में लेने का किसी भी तरीके का क्यों ना हो, इसे पुलिस में जरूर बताएं या उसको बताएं जो आप जिसको समझते हो कि क्राइम फ्रंट पे जानता है या क्राइम साइबर क्राइम की नॉलेज रखता है, उनसे जरूर शेयर करें और अपने को पहले सुरक्षित रहें, सावधान रहें, और सावधानी ही पहला बचाव है। कारण जब तक टेलीकॉम एक्ट का पूरा प्रावधान नहीं आ जाता तब तक ही साइबर क्राइम में कमी होना में प्रॉब्लम है। जैसे होता क्या है, बैंक खाते जनधन से खुलते हैं तो कोई भी बैंक खाता खुलवा के वो उसके उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। पहले तो गारंटर लगते थे तो गारंटर बताता था और वेरीफाई होते थे कि किसका खाता है ये। दूसरा, सिम कार्ड कोई भी दुकानदार लालच में किसी का भी आधार कार्ड लगा के बेच दे रहा है, इसलिए ओरिजिनल ठग नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो जब तक कि टेलीकॉम से आ नहीं जाए कि आपके 10 फिंगरप्रिंट लगेंगे, आपको अपना नंबर वेरीफाई कराना कंपलसरी है, अगर उसके नहीं मिलेगा तो दुकानदार भी नहीं कह पाएगा कि ये मैंने सिम मुझे नहीं बेचा या आपको नहीं बेचा, अदरवाइज वो दुकान वाला भी जेल जाएगा। अभी क्या होता है, 200 रुपये के लालच में वो बेच देते हैं एक्टिवेट करके, ये गलत है। तो वो आदमी भी पकड़ा जाएगा, वो डिनाई नहीं कर पाएगा कि हाँ ये सिम मैंने नहीं लिया, आपने लिया तो किसको दिया। आराम से केस स्ट्रेस होने लगेंगे, वर्कआउट होने लगेंगे, इससे लोगों को राहत मिलेगी और फर्जी सिम की बिक्री भी बंद होगी। इसी तरह बैंक अकाउंट्स का भी वेरिफिकेशन बढ़ेगा तो किस अकाउंट में जा रहे हैं। अभी क्या होता है ना, जिसके नाम से अकाउंट होता है वो कहता साहब मुझे पता ही नहीं मेरा कैसे अकाउंट खुल गया। तो लोग जाते हैं जो चालाक हैं, क्रिमिनल्स माइंड हैं, वो किसी का गाँव वाले का आधार कार्ड या वो आसानी से उपलब्ध करा लेते हैं, या लोग सिम कार्ड खरीदने जाते हैं वहाँ पे वो लोग लगे रहते हैं, वहीं से आधार कार्ड ले लेते हैं, फ़ोटो बनवा के लगा के जनधन खाते के नाम पे तुरंत के तुरंत खुल जाता है खाता, उसमें पैसे डाल के निकाल लेते हैं। तो जब तक पुलिस पहुँचती है उसके पास पता चलता है ये तो उस व्यक्ति का कार्ड ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसके नाम से खुला है। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं, इनको आपको बरतना ज़रूरी है। तो किसी के पास भी अगर इस तरीके की कॉल आए कि आपका बेटा आपकी बेटी कब्जे में है, किडनैप कर ली गई है, आप पैसे डालो, उसने ये कांड कर दिया, तो आप उस पर यकीन नहीं करें, पहले डायरेक्ट फ़ोन कट करके अपने लड़के को या लड़की को लगाएं, फिर जो समझदार सा इंसान समझते हो या जो पुलिस अफसर समझते हो उससे समझें, फिर आगे प्रोसीड करें और सूचना थाने पे ज़रूर दें। थैंक यू।